नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। नियामतपुर क्षेत्र की सबसे अहम समस्या जाम की समस्या को लेकर स्थानीय पुलिस प्रशासन, राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों द्वारा लगातार प्रयास किया गया, बैठकें की गई, किंतु आज तक कोई इसका समाधान नहीं निकल पाया। आज इसे लेकर यहाँ के लोगों को लगातार जाम की समस्या झेलनी पड़ती है। खासकर स्कूल के समय में स्कूली बच्चों को काफ़ी समस्या होती है। लगातार शिकायतें मिलने के बाद निगम प्रशासन सक्रिय हुआ है। आज नियामतपुर में जाम की समस्या को लेकर आसनसोल नगर निगम की MIC इंद्राणी मिश्रा, नियामतपुर फाड़ी प्रभारी अखिल मुखर्जी, नियामतपुर चेंबर ऑफ कॉमर्स के सचिव गुरविंद्र सिंह, मर्चेंट चेंबर के सचिव सचिन वालोदिया समेत स्थानीय पार्षद जाकिर हुसैन, पुलिस के अधिकारियों ने लिथुड़िया रोड, सीतारामपुर स्टेशन रोड, न्यू रोड आदि जगहों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पाया कि सड़क को अतिक्रमण कर दुकानें आगे बढ़ा ली गई है, या फुटपाथ पे जो लोग बैठे हुए हैं उसके कारण भी जाम लग रही है। इसके अलावा पार्किंग की सही सुविधा नहीं होने के कारण लोग जहां तहां अपनी गाड़ियों को खड़ी कर दे रहे हैं, जिसके कारण भी जाम की समस्या उत्पन्न हो रही है। निगम MIC श्रीमती मिश्रा ने कहा कि जल्द ही इस समस्या का समाधान किया जाएगा। आप लोगों का प्रॉब्लम नहीं, हम लोगों का प्रॉब्लम, वो वाला भी हम लोग देखेंगे, लेकिन बाजार में जो भीड़ हो रहा है, पब्लिक एकदम परेशान हो जा रहा है। लेकिन सब कुछ अरे लंबा लंबा करके आप लोग साहेब बंगला का कीजिएगा, साहेब बंगला का ना, साहेब बंगला का तो अच्छी जगह है, लेकिन यहाँ पर तीन चार लोग इससे मुक्त करो। हम लोग का मेन उद्देश्य है GD रोड को क्लियर करना। होने दो ना, फिर कोई ना रास्ता नहीं मिलेगा। अरे एक बार होने दो, कोई ना रास्ता मिलेगा। দেখুন, আমরা অনেকদিন থেকে অভিযোগ পাচ্ছিলাম যে লিটুরিয়া রোডটা জ্যাম হচ্ছে, সীতারামপুর রোডটা জ্যাম হচ্ছে, GD রোডটা জ্যাম হচ্ছে, পথচারীদের অসুবিধে হচ্ছে, লোকাল মানুষের সমস্যা হচ্ছে। তো আমরা আজকে সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে আমরা ড্রেন টু ড্রেন ক্লিয়ার করা হবে, এবং ড্রেন টু ড্রেন ক্লিয়ার হয়ে গেলে রাস্তাঘাটটা একটু চওড়া হবে এবং নিয়ামতপুরের মানুষের পথচারীদের অনেক সুবিধা হবে। মানে আপনার কী কী মানে কি একটা ট্রাফিক এখানে একটা যেটা হচ্ছে পার্কিংয়ের একটা ব্যবস্থা করার কথা চলছে, পার্কিংয়ের জন্য আমরা একটা জায়গা দেখেছি, সেখানে পার্কিংয়ের ওখানটা কিছু অকুপেন্ট আছে, এখন দখল করে রেখেছে, সেটাকে আমরা ক্লিয়ার করে ওখানে মোটরসাইকেল পার্কিং করা হবে। সাথে সাথে যে সমস্ত সবজি ফল বিক্রেতা রয়েছে তাদের একটা পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য আমরা ভাবনা চিন্তা করছি। তারা যদি ওখান থেকে উঠে যায় এবং ড্রেন টু ড্রেন যদি ক্লিয়ার হয়ে যায়, নিয়ামতপুর বাজারটা অনেকটাই পরিষ্কার হয়ে যাবে এবং সাধারণ মানুষ উপকৃত হবে। মেইনলি বাজার পরিষ্কার করার অভিযানে নেমেছেন কি আজ আপনারা? একদমই তাই, যানজট মুক্ত নিয়ামতপুর, ক্লিন নিয়ামতপুর, সেই অভিযানে আমরা বেরিয়েছি যাতে পার্কিং সুস্থভাবে হয় এবং লোকজনের অসুবিধা না হয়, সেটাই আমাদের মেন উদ্দেশ্য।